नमस्कार, वेलकम टू फिल्मी शंकर चैनल। बॉलीवुड की बेहद ग्लैमरस और एवरग्रीन एक्ट्रेस सिमी गरेवाल की अधूरी प्रेम कहानी जानते हैं। बेहद ग्लैमरस और एवरग्रीन एक्ट्रेस सिमी गरेवाल के बारे में यह कहा जाता है कि इनका लुक जैसा इनके करियर के स्टार्टिंग में था वैसा ही आज भी नजर आता है। मेरा नाम जोकर के बोल्ड सीन हो या कर्ज का निगेटिव रोल, हर बार स्क्रीन पर सरप्राइज करने वाले एक्ट्रेस सिमी गरेवाल और रतन टाटा कभी एक दूसरे के रिलेशनशिप में थे और वो लंबे वक्त तक, यहाँ तक कि वे एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से बात नहीं बन पाई और उनका यह ड्रीम कभी भी पूरा नहीं हो सका और एक मोड़ पर आकर दोनों के रास्ते जुदा हो गए। इसके बाद रतन और सिमी अपने अपने कामों में बिजी हो गए, हालांकि वे एक दूसरे के आज भी उतने ही रिस्पेक्ट करते हैं। सिमी गरेवाल ने अपने इस रिलेशन के टूटने की वजह पर तो कभी बात नहीं की, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने रतन टाटा संग अपने रिलेशनशिप और अफेयर पर खुलकर बातें की। वो रतन टाटा को डेट करती थी और दोनों का काफी लंबा रिलेशनशिप रहा है। उस इंटरव्यू में रतन टाटा की तारीफ करते हुए सिमी गरेवाल ने कहा था, रतन और मेरा लंबा रिश्ता रहा है, वह एकदम परफेक्ट है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है और वह एकदम परफेक्ट जेंटलमैन है। पैसा कभी भी उनके लिए अहम नहीं रहा, वह फॉरेन कंट्रीज में जितना रिलैक्स रहते हैं उतना इंडिया में नहीं रहते। सिमी गरेवाल किसी भी मौके पर रतन टाटा की तारीफ करने से नहीं चुकती और अक्सर रतन टाटा से जुड़ी तस्वीरें और पोस्ट शेयर करती रहती। 2020 में सिमी गरेवाल ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें वह नामी इंटरनेट रतन टाटा के साथ नजर आई। इस तस्वीर के जरिए लोगों ने यह भी पहली बार देखा कि रतन टाटा अपने यंग एज में कितने गुड लुकिंग और कितने चार्मिंग थे। सिमी ने इस तस्वीर को शेयर करके कैप्शन में लिखा था, रतन टाटा से जब मैं पहली बार मिली थी तब वह कुछ ऐसे दिखते थे। सिमी द्वारा पोस्ट की गई इस तस्वीर को देखकर एक बार फिर से दोनों की लव स्टोरी की चर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सिमी गरेवाल ने साल 1988 में फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था, जिसके काफी सालों बाद वे साल 1993 में अपना हिट शो रेंडेवूज विद सिमी गरेवाल लेकर आई थी, जो खूब चर्चित रहा था। यह एक सेलिब्रिटी इंटरव्यू शो था जिसमें दिग्गज एक्टर सिमी गरेवाल के सवालों में खुलकर जवाब देते थे। यही वो शो था जिसमें अमिताभ बच्चन ने भी अपने रेखा और जया के रिश्ते पर बात की। सिमी गरेवाल और रतन टाटा का रिलेशन कितना मैच्योर है इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि सिमी के बुलाए पर रतन टाटा भी सिमी गरेवाल के शो में आए थे, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी कई राज पर बेझिझक चर्चा भी की थी। शो में रतन टाटा ने अपनी शादी और रिलेशनशिप को लेकर कहा था कि ऐसे कई मौके आए जब उनकी शादी होने वाली थी लेकिन हर बार बात बन नहीं सकी। शो में रतन टाटा ने यह भी खुलासा किया था कि लाइफ में उन्हें चार बार लव हुआ था लेकिन चारों बार वो नाकामयाब रहे। उन्होंने यह भी बताया था कि आज तक उन्होंने शादी नहीं की और इसका उन्हें कोई मलाल नहीं। शो में उन्होंने अपनी एक ऐसी लव स्टोरी भी बताई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि वो स्टोरी में विलेन का काम किया था साल 1962 में चीन और भारत की वॉर में, जिसके कारण वह लव स्टोरी अधूरी रही। दरअसल रतन टाटा को एक कंपनी में काम करने के दौरान लॉस एंजलिस में एक लड़की से प्यार हुआ था। रतन टाटा उस लड़की से शादी भी करने वाले थे, तभी अचानक उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा क्योंकि उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें इस बात पर पूरा बिलीव था कि जो लड़की उनसे इतना लव करती है वह भी उनके साथ भारत आने के लिए जरूर तैयार हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और रतन टाटा को अकेला ही भारत वापस लौटना पड़ा। इस किस्से को लेकर रतन टाटा ने बताया था कि 1962 की भारत चीन लड़ाई के चलते उसके पेरेंट्स उस लड़की के भारत आने के पक्ष में नहीं थे और इस तरह उनका रिलेशनशिप टूट गया और इसी वजह से शादी नहीं हो पाई। दोस्तों, जहां रतन टाटा आज भी सिंगल है तो वही सिमी गरेवाल ने मशहूर बिजनेसमैन रवि मोहन से शादी की थी, लेकिन उनकी वह शादी ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाई और 10 साल के बाद उनका तलाक हो गया। अपने उसी इंटरव्यू में सिमी ने भी अपनी इस शादी के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था, जब भी मेरी शादी हुई थी तब मैं 27 साल की थी, 3 महीने के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद मैंने शादी की थी और उसी समय मुझे पता था कि मेरी शादी नहीं चलेगी। हम दो बहुत ही अलग इंसान थे और यह सोच है कि शादी के बाद लड़की को अपना घर बार और काम छोड़ना होगा, यह बहुत ही गलत है। हालांकि सिमी ने यह भी बताया था कि वे आज भी उस फैमिली से जुड़ी हुई है
उन्होंने कहा था कि हम दोनों को दो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। हमारी लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज थी, हम दोनों ने अलग अलग रहना शुरू कर दिया था। फिर एक दशक बाद हमारा तलाक हो गया। अच्छी बात यह कि हमारे बीच कोई भी मतभेद नहीं था। आज भी मैं उनके परिवार के बहुत करीबी हूँ। शादी से पहले और रतन टाटा के उनके लाइफ में आने से पहले भी सिमी ग्रेवाल किसी के लव में पड़ चुकी थी, और वह शख्स थे उस समय के जामनगर के महाराजा। हालांकि तब सिमी की उम्र काफी कम थी और उनका यह रिलेशन नादानी की कहानी बनकर रह गया। साल 2013 में एक शो में सिमी ने खुद बताया था कि 17 साल की उम्र में मुझे प्यार हो गया था। वो जामनगर के महाराजा थे और मैं पड़ोस में रहते थे। हम रिलेशनशिप में थे। उस रिलेशनशिप को पैशनेट रिलेशनशिप कहा जा सकता है। हम 3 साल तक उस रिश्ते में रहे थे। उन्होंने ये भी बताया था कि उस रिलेशनशिप में हमने बहुत सी ऐसी चीजें की थी जो कि क्रेजी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वह रिलेशन बहुत ही जुनूनी बन गया। इस बीच रिश्ते में जो पजी सी वेनेस भी आ गई थी, जो कि मेरे लिए टॉक्सिक बन गया था। हालांकि सिमी ने यह भी कहा था कि उन्होंने मुझे उस वक्त बहुत खूबसूरत पल दिखाए। जानवरों की दुनिया, स्पोर्ट्स, फूड, हमने सब कुछ मिलकर साथ किया था। हमने साथ रहते हुए बहुत क्रेजी चीजें की। आज मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वो सब सोच कर मुस्कुराती हूँ, लेकिन मुझे इस बात का एहसास होता है कि एक पॉजिटिव आपके रिश्ते को कैसे बदल डालती है, जिसके बाद में काफी बदल गया। अखबार और फिल्मी पत्रिकाओं के खबरों के मुताबिक सिमी ग्रेवाल फेमस क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौड़ी के साथ भी रिलेशनशिप में रही है, लेकिन शर्मी टैगोर के उनकी लाइफ में आने के बाद उन्होंने सिमी से दूरी बना ली थी और उनका रिश्ता टूट गया था। फिलहाल सिमी ग्रेवाल साल 2011 से शोबिज से दूर है, लेकिन वह सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहती है। दोस्तों, आपको सिमी ग्रेवाल की अधूरी प्रेम कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही मनोरंजक वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।